अगर सलमान भाई की अगर मैं पॉजिटिव बात काम करूं, नहीं मिल रहा है। तो आप ये मानते हो सर कि एक्टिंग में अगर नहीं चलने से, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चलते हैं, वो सुसाइडल थॉट भी आ जाते हैं, काफी हाल ही में सुनने को भी मिला था काफी एक्टर्स के साथ। वैसे क्या हाल है सभी के? तो आज जिनका इंटरव्यू ले रहा हूं मैं, वो आपने इन्हें बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, सलमान खान के, रणबीर कपूर के, उनके साथ इन्होंने काफ़ी कोलैबोरेशन किया है और इन्होंने ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में मूवीज़ किए हैं, ओटीटी में भी छा गए हैं एंड सब जगह आप इनको देखते होंगे। तो यस, राजकुमार कनौजिया का आज मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ एंड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू है। जो स्ट्रगलर्स है, जो एक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए तो ये इंटरव्यू फॉर श्योर है, बट बाकी लोग भी देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ट्रस्ट मी। राजकुमार जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई नो आप बहुत बिजी रहते हो एंड आप बहुत सारे काम में लगे हुए हो, और उसके अलावा आपने टाइम निकाला हमारे लिए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर, फर्स्ट ऑफ ऑल रियली इट्स माय प्लेजर फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू लेट्स रॉक। यस सर, लेट्स रॉक सर। सो सर, स्टार्ट करते हैं सवाल जवाब करना सर, जी एंड जी बहुत डीपली जाने वाले हम लोग आज। तो सर, सर मेरा पहला सवाल है सर, सर आपने बहुत ही ज्यादा अपने करियर में काम किया है सर, और आपने हर लैंग्वेज पे मूवी किया है एंड हर मीडियम में आपने, हम लोग कहीं ना कहीं आपको देख ही लेते हैं। तो सर आप टाइम को कैसे सेग्रीगेट करते हो अपने मतलब इन डे टू डे लाइफ में, और क्या आप फैमिली को टाइम दे सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि आप एक प्रोजेक्ट में कितना टाइम कंज्यूम करते हो सर? देखिए, मेरा मानना है टाइम हम सबके पास होता है, ये सिर्फ बहाने होते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और बस ये है कि एक्चुअली हम प्रायोरिटी वाइज काम करते हैं, और यही वजह है कि हम लोग टाइम को फिर बहाना इस्तेमाल करते हैं कि टाइम नहीं है यार। हम लोग प्रायोरिटी वाइज काम करते हैं, जो जितना हमको जरूरत होती है उस तरीके से हम चलते हैं। तो और बाकी टाइम मैनेजमेंट एक स्किलफुल टैक्ट है जो आना चाहिए, तो वो है मेरे अंदर। तो मेरे मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई एज फार एज सेग्रीगेशन इज कंसर्न ऑफ टाइम। यस सर। सो सर, आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल में आते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में जानना है। आपने बहुत सारे फिल्में किए राजकुमार जी, एंड एंड बेस्ट बात यह है कि आपने, आप हर एक सुपरस्टार के साथ आप नजर आ ही जाते हो फिल्मों में, आप बड़े बड़े एक्टरों के साथ आपने काम किया है, लेकिन जब आपने शुरुआत किया था अपना जर्नी को, तो एक एक अपना एक माइंडसेट होता है सर कि फिल्मों में जा रहे हो आप, यू आर गोइंग टू फेस द कैमरा, तो आप 6 फीट टॉल होंगे या फिर आप गुड लुकिंग होंगे, बट इसके बावजूद भी आपने एक अपना छाप छोड़ा इंडस्ट्री में, और आपने एक बहुत ही जोरदार अपने फ्यूचर तक अपने करियर बनाया है सर। देखिए, जहां तक कि ये आपका कहने का मतलब है कि कद काठी रंग रूप, ये कास्ट क्रीड रेसिज्म, ये सब चीज को मैं बिलीव नहीं करता। मेरा मानना है फिल्में जो होती है एक बुके की तरह होती है, और बुके में हर तरह के फूलों को बुके सजाया जाता है, हर तरह की फूलों से सजाया जाता है बुके को। तो और वो फूल अनगिनत हर तरीके के होते हैं, खुशबूदार होते हैं, तो कोई दिखने में अच्छा होता है, तो सबके अपनी अपनी एक अस्तित्व होता है, अपने अपना एक अपनी अपनी शख्सियत होती है हर फूल की। तो उन्हीं में से, अनगिनत फूलों में से मैं एक फूल हूँ, ये मुझे पता था, और इसी तरह से मैंने संघर्ष अपना जारी रखा, और मुझे पूरा इत्मीनान था, कॉन्फिडेंस था कि यस आई विल डू व्हाट आई वांट टू। यस सर, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू हैव स्टार्टेड योर करियर 1996, आपने स्टार्ट किया था करियर। या दैट्स तो उसके राइट। बाद सर, मतलब आप जब इंडस्ट्री में घुस रहे थे, तो लोगों ने आपको तो बोला होगा कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में तो एक चीज बहुत कॉमन है कि लोग ज्ञान देने के लिए हर लोग खड़े हैं, तो उस पर आप क्या करते हो सर? देखिए, मेरा मानना ये है, सबसे पहले तो ये बताता हूँ, हम सब में एक अलग अलग विशेषताएं होती है, अलग अलग काबिलियत होती है, हम सब अपने आप में यूनिक है,
और यही वजह है कि हमारे हमारे कदकाठी रंग रूप अलग होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, और हमारे निशान अंगूठे के अलग होते हैं, हमारी आंखें अलग होती है, सब कुछ। तो उसी तरह से मेरा मन, उसी तरह से मैंने कोशिश शुरू की कि नहीं, मैं अलग हूँ और मेरा मुकाम है फिल्म लाइन में, मेरी अपनी एक जगह है। उस तरीके से मैं लगा रहा, डटा रहा, और मुझे मालूम था कि अगर हम 100% अपना देते कहीं भी, कोई भी क्षेत्र हो, और उसमें हमको काम बखूबी आता है, तो नो लुकिंग बैक फॉर अस। तो सर आपने यहाँ पे इंडिया में तो बहुत ही अनगिनत फिल्में की है आपने, बट उसके अलावा आपने आपने एक छाप इंटरनेशनल फिल्म में भी छोड़ा है जो फॉरेन फिल्म है। तो सर आप एक इसमें बताइए कि उनका प्रोसेस क्या रहता है, वो लोग सिलेक्ट कैसे करते हैं, या फिर आपने एग्जाम्पल ले सकते हो आपको उन लोगों ने सिलेक्ट क्या किया है, वाइस वर्सा उन लोगों ने आपको कनेक्ट किया कि आपको लेना है उनको मूवी में। देखिए, मैं सच में सौभाग्यशाली हूँ। मैंने वो टिपिकल द सो कॉल्ड स्ट्रगल नहीं किया है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल फिल्मों की। क्योंकि मेरा मानना ये था, इनफैक्ट बॉलीवुड में भी मेरा मानना यही था कि काम देखो काम दो के लॉजिक पर मैं मानता हूँ इस तथ्य को। तो मेरा यहाँ पृथ्वी थिएटर में मैं अक्सर प्ले किया करता था, तो आ जाते थे कुछ लोग देखने के लिए, और उन्हीं में से कुछ होते थे कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, कुछ भी। तो इस तरीके से मुझे काम मिला है। और रही बात इंटरनेशनल फिल्मों की, तो वो भी यहाँ मैंने कुछ काम ऐसे किए हैं जो अच्छा लगा उनको, तो उन्होंने मुझे उन्होंने ही अप्रोच किया है। मैंने फ्रेंच फिल्म की है, स्पेनिश फिल्म की है, प्रॉपर हॉलीवुड की फिल्म की है, जर्मन फिल्म की है, तो इसी तरह उन्होंने मुझे अप्रोच किया मेरा काम देख करके। और मुझे कोई अनुमान नहीं था वो लोग कौन है क्या है, मिलने के बाद सब पता चला कि हाँ, दे आर सो एंड सो। तो सर आपने पृथ्वी थिएटर का जिक्र किया था, तो पृथ्वी थिएटर में मैं ऑफकोर्स जाता हूँ बहुत, वहाँ पे काफी लोग को जानता भी हूँ, वहाँ पे जो आर्टिस्ट है काम करते हैं, तो मैं बाहर देखता हूँ सर बहुत स्ट्रगलर्स लोग वहाँ बैठे रहते हैं कि उनको थिएटर में एक मौका मिल जाए कि चलो थिएटर में कोई मुझे, जैसे कि मकरंद देश पांडे है सर, तो उनके साथ काम करने के लिए काफी लोग लाइन में खड़े रहते हैं, बट उनको अप्रोच कैसे किया जाता है वो उनको नहीं पता। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अगर किसी को थिएटर में काम करना है तो कैसे स्टार्ट करें और प्रोसेस क्या होता है स्टार्ट करने का थिएटर में। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरे गुरु मकरंद देश पांडे ही रहे। मैं उन्हीं के ग्रुप में सबसे ज्यादा मैंने रंगमंच में जो सक्रिय रहा, उन्हीं के ग्रुप के माध्यम से रहा। अनस्टेटेड ग्रुप में मेरा अधिकांश समय गया। और रही बात अप्रोच करने की, तो मेरा मानना है, मेरा बाय द वे काम देखकर ही मकरंद देश पांडे जी ने मुझे बुलाया था। तो मैं अभी तो होता है कि नहीं पता नहीं मुझे, पृथ्वी थिएटर में पहले प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस हुए करते थे, बहुत होते थे, तो मैं उसमें हिस्सा लेता था। तो मकरंद देश पांडे जी ने मेरा एक नाटक देखा था, पर उसी तरीके से मुझे वो देख करके फिर बाद में मुझे चयन किया मेरा, और मुझे अपने ग्रुप में शामिल किया था। तो इस तरह से मेरी हुई थी। बाकी रही बात अप्रोच की, अगर आप नए भी है और स्ट्रगल कर रहे हो, तो आई थिंक अगर आप में कुवत है, काबिलियत है, तो आप किसी को भी कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। फिर उसके लिए मायने नहीं रखता है कुछ भी चीज के, आपको सोर्स हो, रिकमेंडेशंस हो, या कोई इंट्रो कराए, आप खुद आपको खुद को जाना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए सामने से। बस ये है कि ओके सकारात्मक अप्रोच रखे, मतलब हाँ या आप अप्रोच आपको खुद वेरी ही करना पॉजिटिव। है या यस सर। सो आप कॉमेडी के लिए आपको बहुत जाना जाता है हिंदुस्तान में, तो कॉमेडी एक बहुत ही डिफिकल्ट जॉनर है सर, एंड क्या आप बता सकते हो सर कॉमेडी जो जो आर्टिस्ट जो स्क्रीन में कैमरा के आगे कॉमेडी करता है, कैमरा के आगे कोई भी आर्टिस्ट परफॉर्म करता है, उनका एक माइंडसेट क्या होता है, वो क्या सोचता है उस वक्त, और या फिर वो प्रिपरेशन उनका क्या रहता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता सकते हो। देखिए, कोई भी जब हमको किरदार निभाने को मिलता है, स्क्रिप्ट आती है मेरे पास के कैरेक्टर का, तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो किरदार का अगला पिछला क्या है, सिचुएशन क्या है, वो हिसाब से फिर हम लोग बेसिकली, मैं कॉमेडी या ट्रेजेडी सीरियस ये देख करके नहीं अप्रोच करता हूँ स्क्रिप्ट को। मैं बस उस सिचुएशन में ढलने की कोशिश करता हूँ, और वो खुद ब खुद फिर जैसी राइटर ने सोचा है वो दर्शक के सामने निकल के आती है। अगर उसमें हंसी फूटती है तो दर्शक को हंसी आएगी,
और अगर वो सीरियस है तो दर्शक भी हमारे साथ सीरियस होते हैं, क्योंकि दर्शक जो है हम जैसा किरदार के साथ दर्शक से वैसे वैसे वो हमारे साथ चलती है दर्शक, तो बस हमको स्क्रिप्ट के साथ चलना चाहिए फिर दर्शक हमारे साथ चलते हैं। सर कोई प्रिपरेशन रहता है कि आप जाके कोई स्टार कोई को आर्टिस्ट का परफॉर्म करते हो, रिहर्सल करते हो, उसके पीछे कुछ रहता है? बिल्कुल, ये रिहर्सल तो ये पार्ट है जर्नी का, अहम हिस्सा है रादर मैं कहूंगा, क्योंकि जितना ज्यादा हम जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रिहर्सल करेंगे उतना वो हमारे लिए उसका रिजल्ट मिलता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो वी नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट बिफोर गोइंग ऑन फ्लो, एंड इट अप्लाइज फॉर ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म, बी इट थिएटर और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। सवाल दूसरे सवाल में आता हूँ सर। आपने सलमान खान के साथ काफी फिल्में की है सर, आधे में आपको दिखा गया है, तो आपको गॉट टू सी ग्रेट हो में आपका एक पर्टिकुलर कॉमेडी दबंग दबंग में, दबंग टू में में था, था, आपने ठीक काफी फिल्में उनके साथ किया है, तो में सर था, आप, तीन ऐड भी किए मैंने उनके साथ। हाँ मैंने ऐड भी आपका, व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट यू मैंने ऐड भी देखा, फिल्में भी देखा, आपने काफी कुछ आपका कोलैबोरेशन रहा है उनके साथ, तो आप थोड़ा इसके बैकग्राउंड पे बता सकते हो कि ऑन सेट एक्सपीरियंस क्या होता है? क्या सलमान खान डायलॉग रिहर्सल करते हैं आप, या फिर वो आके ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज करते हैं, या आप इम्प्रोवाइज करते हो उनके साथ? देखिए क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं विडम्बना, ये हमारे बॉलीवुड की, बॉलीवुड एक स्टार रोल्ड इंडस्ट्री है, तो मैंने सलमान भाई के साथ अब तक 8 बार काम कर चुका हूं, और अगर सलमान भाई की अगर मैं पॉजिटिव बात करूं तो मैं सिर्फ पॉजिटिव करना चाहूंगा। बहरहाल तो प्लस पॉइंट ये है कि सलमान खान हैज गॉट एलिफेंट मेमोरी, उनकी मेमोरी इतनी शार्प है, उनको सब कुछ बकायदा याद रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जब मैं गॉट टू सी ग्रेट हो मैंने की थी उनके साथ फिल्म, और कट टू फिर बहुत दिन बाद मैंने उनके साथ 10 कदम प्रोमो किया था, तो उसमें भी वो गॉट टू सी ग्रेट हो के किरदार से मुझे उन्होंने आवाज दिया, तो इट वॉज समथिंग वेरी आउट ऑफ द बॉक्स, टीएलबी पसंद, और जबकि काफी समय हो गया था, और मैंने जब भी काम किया काफी अंतराल के बाद काम किया, और हर हमेशा मेरा गेटअप भी अलग रहा है, फिर भी वो मुझे पिछले कैरेक्टर के साथ जानते हैं। जैसे मैंने दबंग जब किया था तो उसमें उन्होंने रामसुख पासी मेरे किरदार का नाम था, तो उस नाम से मुझे बुलाया मेरे दूसरे शूट पे राधे में, जबकि कितना गैप था दोनों के बीच। तो ये उनका मतलब एक विशेषता है कि ही हैज रियली गॉट अ वेरी गुड एलिफेंट मेमोरी, तो ये बात माननी पड़ेगी। और बाकी को एक्टर्स तो सच में प्यार करते हैं बहुत, और सपोर्ट भी करते हैं, वो जरा भी इनसिक्योर स्टार नहीं है, जरा भी इनसिक्योर नहीं है, इनफैक्ट वो अपनी लाइनें भी देते हैं, यार मेरी लाइन तुम ही बोल दो, तो बहुत अच्छी बात है ये उनमें। सही है। मैं आस्क यू, आपका अब तक का सबसे फेवरेट सुपरस्टार कौन है जिनके साथ आपने काम किया है ऑन स्क्रीन, अगर आप बताना चाहो तो सर? मुझे अब तक सबसे अच्छा मुझे रणबीर कपूर के साथ लगा काम करने को, मैंने बेशरम फिल्म की थी रणबीर कपूर के साथ, तो वाकई ही इज वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ एंड इक्वली वेरी टैलेंटेड, सर तो अच्छा लगा। वो और आपने बेशरम का जिक्र किया है, मैं वो सीन के बारे में जानना चाहूंगा सर कि वो सीन कैसे शूट हुआ और क्या थॉट प्रोसेस क्या शूट हुआ था, वो जो पार्लर वाला सीन था बेशरम में। जी वैसे ये बता दूं उसके निर्देशक थे अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप, और चूंकि रणबीर कपूर उन दिनों काफी बिजी चल रहे थे और बॉम्बे में उनकी शूट चल रही थी, इसलिए फिल्म सिटी में ही हमें चांदनी चौक बनानी पड़ी दिल्ली की, तो वो दिल्ली नहीं है वो फिल्म सिटी है, जो आपने देखा सेट है वो पूरा सेट था, इरेक्ट किया गया था सेट, तो वो एक है। और बाकी उसमें अभिनव कश्यप मुझे पहले से जानते थे, मैं उनके साथ काम कर चुका था स्टार बेस्ट सेलर में, तो मुझे पहले से जानते थे, तो उस तरीके से मुझे उन्होंने अप्रोच किया था इस कैरेक्टर के लिए। और फिर रणबीर कपूर ने भी बहुत इज्जत दी, मैंने रणबीर कपूर जी के, बाय द वे बता दूं कि मैंने कुछ 6-7 कपूर लोगों के साथ काम किया अब तक कपूर खानदान में, जैसे कि रणबीर कपूर, ऋषि कपूर, ऋषि कपूर के साथ मैंने ऐड किया था कब सैंड का, जो अभी भी चलता है, चल रहा है, फिर बाद में संजना कपूर के साथ मैंने थिएटर किया है, फिर कुणाल कपूर जो संजना कपूर के भाई है उनके साथ मैंने ऐड किया है, शशि कपूर जी के साथ रंगमंच में सक्रिय रहा, फिर
और कौन है फिर, तो करीना कपूर के साथ ऐड किया है मैंने, फिर तो ऐसे काफी कपूर खानदान से मेरा वास्ता रहा है, और उन्हीं के स्टूडियो जो राज कपूर जी का स्टूडियो है, आर के स्टूडियो जो टूट चुका है कब का, वहां पर मैंने शूटिंग की है बहुत। तो ये एक अच्छा कोइंसिडेंस है कि ये मेरा नाता है कपूर खानदान से। तो रणबीर कपूर वाकई बहुत सहज अभिनेता है, और बहुत मजा मस्ती मजाक भी करते हैं, और रिहर्सल बहुत करते हैं जब तक कि सीन परफेक्ट नहीं आता है, और बस उस बहुत अच्छे से हमने वो शूट किया, बेफिक्री में शूट किया, निश्चिंत होकर के शूट किया। तो कुल मिलाकर के माहौल बहुत अच्छा था, डीओपी बहुत अच्छे थे, तो आई वॉज हैविंग अ फन वाइल शूटिंग दैट फिल्म। ओके सर, अब आते हैं ये सवाल में जो सब स्ट्रगलर एस्पायरिंग एक्टर्स जानना चाहते हैं कि आप जब इंडस्ट्री में जाते हो और या फिर आप कैरेक्टर आर्टिस्ट ही प्ले करना चाहते हो, तो आपको एक चीज का अनसिक्योर लगता है कि भाई कितना पेमेंट मिलेगा, कि मुंबई जैसा शहर में चल जाएगा रहना, सेटल हो सकते हैं, तो आप थोड़ा मॉनेटरी वे में बता सकते हो अपना एग्जांपल लेके। अभी तो आप बड़े एक्टर बन गए हो, बट उस वक्त जब आपने शुरू किया था तो उस वक्त आपको कितना मिलता था इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट हो गया या फिर फिल्म हो गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पर पेमेंट का कोई मापदंड नहीं होता, और शोषण बहुत किया जाता है, विशेष तौर पर चरित्र अभिनेता का बहुत ज्यादा शोषण किया जाता है, नए लोगों को तो बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है, और जो जितना डिजर्व करता है उसको तब मिलता है जब वो सेलेबल स्टार बन जाता है, अदरवाइज जो जितना डिजर्व करता है पेमेंट कभी नहीं मिलता है। और बाकी मेरा मानना है कि एक्सप्लॉइट करने वाला तो गुनहगार होता ही है, एक्सप्लॉइट सहने वाला जो एक्सप्लॉइट होके ले रहा है वो भी गुनहगार है, तो दोनों गुनहगार है। इसलिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं कभी एक्सप्लॉइट नहीं होकर लेता हूँ, और मैं प्रॉपर लेता हूँ, और ये मैं डे वन से बात कर रहा हूँ, मैं कभी शोषण नहीं होता हूँ, मैं अपने आप को विक्टिमाइज नहीं करता कभी, और मैं जितना डिजर्व करता हूँ मुझे पता है मेरा कितना पेमेंट होना चाहिए, मैं उतना लेता ही लेता हूँ, और अदरवाइज नहीं। और अभी तो मैंने एक नई चलन की है जो जिनको मैं नहीं जानता हूँ, पहली मरतबा काम करता हूँ, ये पिछले 10 साल से मैं कर रहा हूँ, जिनको मैं नहीं जानता हूँ या बॉलीवुड में उनको कोई नहीं जानता, उनसे मैं पहले पैसे लेता हूँ, बाद में मेकअप करवाता हूँ, तो इस तरीके से चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ शोषण बहुत होता है अब भी ऐसा। सर, पैसा का जो प्रोसेस है बॉलीवुड में या फिर कोई भी इंडस्ट्री में, आपने इतने सारे इंडस्ट्री में काम किया है, वो किस तरह चलता है? क्योंकि बीच में कोई होता है, आपके और प्रोड्यूसर के बीच में काफी लोग होते होंगे डिस्कस करने के लिए पैसा, या आप डायरेक्टली प्रोड्यूसर के साथ डिस्कस करते हो पैसा कि आपको कितना पैसा मिलना चाहिए, और डिसाइड कैसे होता है कि आपको कितना मिलना चाहिए? क्योंकि आपका लेवल डिसाइड करता है कि आप कितने बड़े कलाकार हो, या फिर आप वो लोग खुद डिसाइड करते हैं? देखिए, विडंबना ये है कि सबसे पहले तो बता दूं, हमारे यहाँ ये एक्टर प्रोड्यूसर दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म मेकर्स और एक्टर की, लेकिन यहाँ दुर्भाग्यवश प्रोड्यूसर या डायरेक्टर समझता है सिर्फ हम ही को जरूरत है, तो वो रॉन्ग है, जबकि दोनों तरफा बराबर जरूरत है, जितनी जरूरत हमको उनकी है उतनी ही जरूरत उनको हमारी है, लेकिन ये तथ्य को कोई समझता नहीं है, और मैं इसमें कसूरवार मानूंगा हम कलाकार भाइयों को, ये जितने भी कलाकार हैं लोग हैं वो लोग इनसिक्योर होते हैं, और चलता है एटीट्यूड में काम कर रहे हैं, और जो मिल जाए उसमें चलता है, या कई मैंने कलाकार ऐसे भी देखे, नए लोग नवोदित कलाकार नहीं भी पैसे मिले तब भी काम कर लेते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। तो मेरा मानना है वो कलाकार नहीं होते हैं, वो भिखारी होते हैं, और भिखारी लोग की बॉलीवुड में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ, और हमारा मेहनताना या दिहाड़ी कहो वो मिलना ही चाहिए हमको, और जितना हम डिजर्व करते उतना मिलना चाहिए। और मैं शायद इसलिए भी मैं अपनी बातों में हमेशा, मैंने जैसे कहा कि मैं हमेशा कभी शोषण नहीं रहा, उसका सबसे बड़ा शायद कारण ये भी हो सकता है कि मैं मुंबई से ही हूँ, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, दिस इज माई थर्ड जनरेशन मुंबई, सो बेसिकली आई एम मुंबई कर, तो मुझे रोटी कपड़ा मकान का मुझे कभी ऐसा कुछ ये मिनिमलिस्टिक अप्रोच के लिए मुझे कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा, आई वॉज सॉर्टेड वेल वेल टू डू। ओके सर, आखिरी सवाल में आते हैं। सो जो
एस्पायरिंग एक्टर्स है जो लोग बहुत नॉर्मल दिखते हैं, उनको पता है कि वो एज ए लीड एक्टर इंडस्ट्री में सेटल शायद नहीं हो पाए या फिर सर्वाइव ना कर पाए या फिर उनको सिलेक्ट ना करे जो कास्टिंग डायरेक्टर्स है, बट उनको इंडस्ट्री में आना है तो उनको ट्राई करना चाहिए कि नहीं कर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं आजकल के यंगस्टर्स कि भाई मैं इतना अच्छा नहीं दिखता हूं तो मैं नहीं जा पाऊंगा इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत लोग पीठ पीछे उनके बोलने वाले लोग होते हैं। देखो अभिजीत, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि मैंने पहले अपने इंटरव्यू के शुरुआत में कहा कि कदकाठी रंग रूप कोई मायने नहीं रखता। अगर आप में हुनर है, काबिलियत है, कुबत है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बजाय इसके, एक तो प्रॉब्लम ये हमारे यहाँ सब लोग काम मांगने के लिए काम करते हैं, लेकिन काम अपने काम पे कोई काम नहीं करता। आपको पहले अपना काम आना चाहिए, तो काम के ऊपर काम करो तो काम खुद ब खुद मिलेगा। तो सर इसको एलिब्रेट कर सकते हो थोड़ा, क्या काम करना चाहिए बीइंग एक्टर अगर आपको एक्टर बनना है तो? जी देखिए, बीइंग एन एक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी वेल अवेयर ऑफ व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, बिकॉज एक्टिंग, मेरे खुद ने डेफिनेशन बनाया है एक्टिंग का, मेरी अपनी डेफिनेशन है। व्हाट इज एक्टिंग? एक्टिंग इज नथिंग बट रिएक्टिंग टू द सिचुएशन एज पर द स्क्रिप्ट डिमांड्स, एंड फॉर दैट वी नीड टू ऑब्जर्व द सोसाइटी, एब्जॉर्ब द सोसाइटी इन आर वेरी ओन वे, नो नीड टू इमिटेट। सो दैट इज कॉल्ड एक्टिंग। तो इसमें अगर ये जो भी आते हैं नए लोग, और सबका स्वागत है, मैंने कहा ना कोई मापदंड नहीं, सभी का स्वागत है, कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, एक्टिंग कर सकता है, लेकिन ही और शी शुड बी वेल अवेयर, वो पूरा नॉलेज होना चाहिए उसे। उसे नॉलेज, मैं हर तरीके का बोल रहा हूँ, सोसाइटी इन टोटैलिटी नॉलेज होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए उसका एक्टिंग की बारीकों को लेकर के, फिर चाहे वो थिएटर के जरिए हो या फिल्मों के जरिए हो, किसी के भी जरिए हो। तीसरी बात, जो भी वो पढ़ाई पूरा करना चाहिए उसे, पढ़ाई बीच में छोड़ करके नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ाई हमको जाने अनजाने एक्टिंग में भी हेल्प करती है। टुडे आई एम अ ग्रेजुएट, सो इट हेल्प्स मी व्हाइल परफॉर्मिंग, यू नो, बिकॉज जो भी हो, आज हमको रोमन इंग्लिश में दे जाते लाइनें, कई सारे भी इंग्लिश अंग्रेजी है, पार्ट एंड पार्सल हो चुका है, तो ये सारी चीज का ध्यान देना चाहिए। आज मैं अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा हूं, तो मुझे इंटर्नशिप फिल्मों में बहुत आसान हो रहा है काम करना। तो और जो भी लैंग्वेज में आप जाते हो, वो लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी मैं हिंदी इंग्लिश के अतिरिक्त मैं गुजराती फिल्में करता हूँ, मराठी करता हूँ, क्योंकि मेरी ये सारी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, और लिखना पढ़ना बोलना सब आता है मुझे। सर रिसेंटली एक एक्टर है रजत बेदी करके, जिन्होंने कोई मिल गया किया था, उनसे मेरा बात हुआ था तो उन्होंने बोला कि बीच में एक ऐसा वक्त आया था कि मैं पूरा टूट गया था और बीइंग एन एक्टर मैं चला गया था कनाडा एक बिजनेस करने, वो कनाडा चले गए थे बिजनेस करने, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि बॉम्बे में, पहले उन्होंने सोचा कि यार मैं एक्टर हूं तो मैं कहीं जाकर जॉब नहीं कर सकता क्योंकि आपका फेस वैल्यू है, क्योंकि आपको काम बॉम्बे में भी नहीं मिल रहा है और आप जाके कहीं नौकरी भी नहीं कर सकते हो बीइंग एन एक्टर, क्योंकि आपको लोग जानते हैं कि भाई आपको कहीं देखा हुआ है, कि आपका फेस वैल्यू आपका बन चुका है लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा है। तो आप ये मानते हो सर कि एक्टिंग में अगर नहीं चलने से, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चलते हैं, वो सुसाइडल थॉट भी आ जाते हैं, काफी हाल ही में सुनने को भी मिला था काफी एक्टर्स के साथ, तो वो लोग कहीं और काम नहीं कर सकते सर, ये ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको बेवकूफी मानता हूँ, कि मेरा मानना है जो काम आप हाथ में लेते हो, फिर चाहे कोई भी काम हो, तो वो काम जीवन भर आपके साथ होना चाहिए। और रही बात सक्सेस फेलियर की, तो वो मायने नहीं रखता, बस आप काम करते रहो, अपने कर्म करते जाओ, लगे रहो। और जैसे हमारी आत्मा, जब हम छोड़ते शरीर को तब हमारी आत्मा छूटती, इसी तरह जिस दिन हमने अपने शरीर को छोड़ा उसी दिन हमारा एक्टिंग छूटना चाहिए, नहीं तो सदैव रहना चाहिए। तो जैसे मुझे अभी 26 साल हो गए इस लाइन, तो मेरे कभी दिमाग में भी नहीं आया ये उसूल कि कुछ और करो या ऐसा, और डाउनफॉल सबको आता है।
तो इट्स ओके, जैसे रेनफॉल आ रहा है अभी बरसात में, तो वैसे डाउनफॉल आता है, तो रेनफॉल और डाउनफॉल दोनों का हमको स्वागत करना चाहिए। ये मेरा मूल मंत्र है कि एक्सेप्ट ग्रेसफुली एनीथिंग एंड एवरीथिंग कम व्हाट मे। ट्रू, वेरी ट्रू, राइट राइट। ओके सर, थैंक यू सो मच। अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है, उसके बाद एंड कर देंगे ये सेशन। जी, अभी Z5 पे मेरी एक वेब सीरीज आएगी जिसका टाइटल है सनफ्लावर सीजन 2, जिसको इफ आई एम फुल नॉट के रॉन्ग, जी सुनील सुनील ग्रोवर है उसमें, राइट जी 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 तो वो है, तो विकास बहल उसके डायरेक्टर है, जो कि जिन्होंने क्वीन बनाई थी, तो बहुत मजा आया काम करके। तो वो एक अभी मेरी रिलीज तो है Z5 पे आएगी। फिर उसके अतिरिक्त मैंने एक इंडो हॉलीवुड प्रोजेक्ट किया है, तो फिल्म इज कॉल्ड फ्लेम, तो वो एक है। और एक मेरी मराठी फिल्म लिस्ट पे एज अ पैनल लीड कर रहा हूं मैं, वड़न नाम है उसका। तो ये प्रोजेक्ट्स है मेरे। ओके सर, वी आर वेटिंग फॉर इट सर। हम लोग बहुत पसंद करते हैं आपको, आप ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए आके हम लोग को, एंड जी, आपको थैंक यू सो देख के मच। ही खुश हो जाते हैं सर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, एंड थैंक जल्दी यू, थैंक मिलते यू हैं फॉर सर। हैविंग मी वंस अगेन। यस सर, थैंक यू सो मच सर, बाय बाय सर, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। यूट्यूब।